जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के डेबिट कार्ड के बारे में। आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अगर आपने अपना अकाउंट ओपन कर लिया है और अभी तक आपको डेबिट कार्ड नहीं मिला है तो डेबिट कार्ड के लिए आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये डेबिट कार्ड आपको वर्चुअल देखने को मिलता है या फिर दोस्तों फिजिकल देखने को मिलता है, ये भी इसी वीडियो में आप जानेंगे। साथ में दोस्तों इस डेबिट कार्ड का अप्लाई करने का कितने रुपये आपको पे करने पड़ते हैं, इस डेबिट कार्ड की कितनी आपको लिमिट देखने को मिलती है और उस लिमिट को कितनी आप इंक्रीज कर सकते हो, इस डेबिट कार्ड को दोस्तों मिलने के बाद में आप कैसे इसका पिन जनरेट कर सकते हो, कैसे यूज कर सकते हो, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर आप यूज कर सकते हो इस डेबिट कार्ड को, तो इसके लिए दोस्तों बस आपको इस वीडियो को पूरा देख लेना है। अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के डेबिट कार्ड के लिए एटीएम कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हो और इस डेबिट कार्ड को आप यूज करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देख लेना है और हो सके तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इस चैनल पर आपको हमेशा बैंकिंग से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती रहती है। तो चलिए फिर हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अब दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आप डेबिट कार्ड अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आप IPPB की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे और अपने अकाउंट नंबर डालकर यहां पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में दोस्तों कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको मिलेगा, लेकिन एक चीज़ हम आपको बता दें कि डेबिट कार्ड अप्लाई करने से पहले आपके अकाउंट में कम से कम 25 रुपये होने चाहिए। जी बिल्कुल, डेबिट कार्ड का 25 रुपये लिया जाएगा आपसे, तो यह बात आपको ध्यान में रखना है। हम यहाँ पर अकाउंट पर जैसे शो करते तो हमारे अकाउंट में अभी 50 रुपये हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर अप्लाई करने के लिए देखेंगे कि आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहीं पर एक आपको ऑप्शन मिलेगा डेबिट कार्ड का, आप डेबिट कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में देखेंगे कि आपका अकाउंट नंबर शो हो जाएगा और यहाँ पर रिक्वेस्ट वर्चुअल डेबिट कार्ड का आपको ऑप्शन भी मिल जाएगा। अब इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको मिल जाएगा। और ये जो आपको डेबिट कार्ड मिलेगा ना वर्चुअल वाला, इसका जो है 60 मंथ तक की जो है वैलिडिटी रहेगी, यानी कि 60 मंथ तक इस डेबिट कार्ड को आप यूज़ कर पाओगे। अब इसके बाद में यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस मिल जाएंगी जिनको आपको परमिशन देना हो तो सभी परमिशंस को आपको अलाउ कर देना कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद में नीचे आप देखेंगे कन्फर्म के बटन पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे कन्फर्म के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि ऊपर शो हो रहा है कि वन टाइम वर्चुअल कार्ड इशू फी आपको 25 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 25 रुपये ही आपसे लिया जाएगा, ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। इसके बाद में दोस्तों कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगी, OTP को फिल करेंगे और इसके बाद में सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे दोस्तों सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे तो देख सकते हैं कि वर्चुअल डेबिट कार्ड जनरेटेड सक्सेसफुली और आपका मैसेज भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप दोस्तों देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ये प्रॉब्लम है कि हमको डेबिट कार्ड तो मिल गया लेकिन डेबिट कार्ड के कुछ अंक हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं और ना ही हमें यहाँ पर कोई CVV नंबर वगैरह दिखाई दे रहा। अब यहाँ पर हम ट्रांजेक्शन वगैरह कैसे करेंगे, तो इसके लिए दोस्तों आपको घबराने की कोई भी बात नहीं है। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कि आपको नीचे कार्ड व्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और हम आपको बता दें, ये जो लिखकर आ रहा है कि कार्ड विल बी एक्टिवेटेड फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आफ्टर 30 मिनट, आपको यहाँ पर दोस्तों मतलब ये बताया गया है कि डेबिट कार्ड आपको जनरेट करके दे दिया गया है। अब इसे अगर आप ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो इसके जनरेट होने के बाद यानी कि 30 मिनट के बाद में आप कोई भी ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कार्ड व्यू के ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे दोस्तों हम कार्ड व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपसे बोला जाएगा एंटर MPIN, तो आपको एक MPIN को सेट कर देना है। इसके बाद में कन्फर्म के बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे दोस्तों कन्फर्म के बटन पर क्लिक करेंगे देख सकते हैं हमारे सारे नंबर भी आ चुके हैं और यहाँ पर हमें CVV नंबर भी आ चुकी है, वैलिडिटी ईयर आ चुका है, सब कुछ दोस्तों आ चुका है। अभी इस कार्ड को दोस्तों बड़ी आसानी के साथ में यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। यहीं पर अगर इस कार्ड को आप ब्लॉक करना चाहते हो तो आप ब्लॉक भी कर सकते हो, ठीक है। इसके अगर मैनेज लिमिट देखना चाहते हो तो यहाँ से मैनेज लिमिट को भी आप चेक कर सकते हो। अब जैसे दोस्तों हम मैनेज लिमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 50,000 रुपये का हम यहाँ पर हमें लिमिट यहाँ पर मिली हुई है। अगर आप इसका सेट करना चाहते हो डोमेस्टिक कार्ड लिमिट तो यहाँ पर वो लिमिट आप सेट भी कर सकते हो। लेकिन क्या फ़ायदा है दोस्तों, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, इसे आराम से आप अपना काम चला सकते हो। एक चीज़ बता दें, जितने भी पेमेंट बैंक आपको मिल जाती हैं, चाहे फिर एयरटेल पेमेंट बैंक हो, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हो या फिर एयरटेल पेमेंट बैंक हो, तो इनमें 2 लाख रुपये की लिमिट आपको दी जाती है, ठीक है। तो इसको कोई भी सेट करने की ज़रूरत नहीं है।
सो दोस्तों, अभी आपने देखा कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में डेबिट कार्ड अप्लाई करने का हमने आपको लाइव प्रोसेस दिखा दिया है। अब इस डेबिट कार्ड अप्लाई करने का ₹25 पे करना पड़ता है, साथ में रुपए का डेबिट कार्ड देखने को मिलता है। और इस डेबिट कार्ड के अगर बेनिफिट की बात करें तो दोस्तों, आप कोई भी ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हो, फ्लिपकार्ट अमेजॉन यूज कर सकते हो, फोनपे पेटीएम एप्लीकेशन में इस डेबिट कार्ड को आप यूज कर सकते हो, बस आप एटीएम मशीन में नहीं लगा सकते हो। सो अगर आपको वीडियो में जानकारी सही लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको हमेशा विश्वास भी मिलता रहता है। और साथ में सभी दोस्तों के पास वीडियो शेयर कर देना। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी इंटरेस्टेड वीडियो के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।